हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोटर वेलो। मैं हूं आपका दोस्त रवि कुमार और आप जो मेरे सामने बाइक देख रहे हैं ये है भैया हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा XMR। पहले ये बाइक आती थी करिश्मा के नाम से, लेकिन अब उसी बाइक को हीरो ने करिश्मा XMR के नाम से लॉन्च कर दिया गया है और ये है 2024 का न्यू वर्जन। पहले तो ये बाइक स्पोर्टी थी ही, लेकिन अब ये बाइक और भी ज़्यादा स्पोर्टी हो जाती है। अगर आप ये देखें तो आपको यहाँ पर XMR करिश्मा यानी कि करिश्मा XMR की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और ऊपर अगर आप देखें तो आपको हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट फेंडर के बारे में कि हमें इसका जो फ्रंट फेंडर है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखें इसके फेंडर को तो मैट ब्लैक कलर में इसका जो फ्रंट फेंडर है वो आपको मिलेगा। तो बात करें इसके हेडलाइट के बारे में तो अगर आप देखें तो एक्स करके जो इसके DRL है LED में आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको मिल जाएगी LED में इसकी हेडलाइट, और साथ ही वही आपको मिल जाएगा इसका लोगो। तो इसका जो ऑल लाइट सेटअप है वो आपको मिलेगा LED में, और ऊपर देखें तो ये आपको ट्रांसपेरेंट जो हल्का सा ब्लैक कलर में इसका जो वाइजर है वो आपको मिलेगा। तो इसके फ्रंट लुक को देखें तो भाई आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो इसका फ्रंट लुक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा देखते हैं हम इसके फ्रंट व्हील के बारे में कि हमें इसका जो व्हील है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो फ्रंट में आपको MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे, और 100x18x70 की आपको मिलेगी इसकी टायर प्रोफाइल। और बात करें भाई इसकी डिस्क ब्रेक के बारे में तो 300mm की आपको यहाँ मिलेगी इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक, और साथ ही ये आपको मिल जाएगा इसका कैलिबर। चलिए अब देखते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में तो टेलीस्कोपिक आपको यहाँ मिल जाते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन। तो जैसे कि ये स्पोर्ट बाइक है तो ज़्यादातर स्पोर्ट बाइक में जो है वो लिक्विड कूल रेडिएटर आता है, तो इस वाली बाइक में भी आपको जो लिक्विड कूल जो इसका रेडिएटर है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस बाइक के इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। तो ये आपको मिल जाती है हीरो की ब्रांडिंग, और साथ ही आपको यहाँ मिल जाएगी XMR की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो साइड का इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, जो कि भाई साइड से देखने में ये बाइक काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर KTM RC 200 की तरह अंडरवेली इसका जो एग्जॉस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर एक छोटा और अट्रैक्टिव जो एग्जॉस है वो आपको देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर जो सिल्वर कलर का इसका जो कवर है वो आपको देखने को मिलेगा, और बाकी जो एग्जॉस है वो आपको मिलेगा मैट ब्लैक कलर में। तो अब बात करते हैं इसके रियर व्हील के बारे में। तो रियर व्हील में पहले हम बात करेंगे इसकी जो डिस्क है उसके बारे में, तो आपको यहाँ पर 230mm की मिलेगी इसकी डिस्क, और आपको ये मिल जाएगा इसका कैलिवर, क्योंकि आपको यहाँ पर जो इसका डुअल चैनल ABS है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। और इसके टायर साइज की बात करें तो आपको यहाँ पर 140x70x17 की मिलेगी इसकी टायर प्रोफाइल, और MRF कंपनी की आपको यहाँ मिल जाती हैं इसके ट्यूबलेस टायर। और इस तरफ बात करें तो आपको यहाँ पर एक जो इसका साड़ी गार्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्पोर्ट बाइक्स में आपको साड़ी गार्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस वाली बाइक में हीरो ने साड़ी गार्ड को प्रोवाइड किया है। इसके जो पिलियन के फुटरेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे लॉक वाले, और इसके जो राइडर के फुटरेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे स्प्रिंग वाले, और साथ ही भाई आपको यहाँ पर जो डुअल स्टैंड का सेटअप है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, केवल आपको यहाँ पर जो सिंगल स्टैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर इसका जो फ्रेम है वो आपको मिलेगा ट्राइएरो डिज़ाइन में। अब बात करते हैं भाई इसके इंजन के बारे में, तो 210cc में आपको मिलेगा इसका इंजन, जो कि आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 जिसे हम OBD2 वेरिएंट भी बोलते हैं, और लिक्विड कूल में आपको इसका जो इंजन है वो आपको देखने को मिलेगा। और मैक्स पावर की बात करें तो 25.15 BHP की मिल जाती है मैक्स पावर, और 20.4 Nm का मिल जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। और बात करें इसके माइलेज के बारे में तो लगभग 35 km/L का मिल जाएगा इसका माइलेज। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में कि हमें इसकी जो सीट है वो कैसी मिलेगी। तो स्प्लिट सीट का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिलेगा, और 810mm की आपको यहाँ मिल जाती है इसकी सीट हाइट। तो सीट काफ़ी यहाँ बढ़िया देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्पोर्ट बाइक में होनी चाहिए। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन को, तो आपको यहाँ पर गैस चार्ज मोनोसॉक 6-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक जो इसका रियर सस्पेंशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको डुअल टोन में दिखने वाला है रेड और क्रोम कलर के कॉम्बिनेशन में। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को कि हमें इसकी रियर प्रोफाइल कैसी दिखती है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी शार्प टाइप में इसके जो ग्रे वेंडल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि इसका जो ऑल लाइट सेटअप है वो आपको मिलेगा LED में, तो इसकी टेल लाइट इंडिकेटर जो भी है इसके जो आपको मिल जाएंगे LED में, और इसका जो रियर फेंडर है वो आपको मिलेगा ब्लैक मैट कलर में, जो कि आपको फाइबर में रहने वाला है। और बात करें इसके फ्यूल टैंक के बारे में तो आपको यहाँ पर करिश्मा की मिलेगी ब्रांडिंग, और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको यहाँ पर
12.01 लीटर का मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक, और आपको यहाँ पर E20 फ्यूल का जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके हैंडल बार को। तो भाई जो पल्सर का जिस तरह का जो हैंडल आता है, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता इसका जो हैंडल है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके सेंटर में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर साइड में जो इसका USB पोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, और इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पर जो ऊपर अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा इसका हेजल लाइट का स्विच, नीचे आपको मिलेगा किल स्विच, ये आपको मिलेगा एक्सीलेटर, और इस तरफ देखें तो ये भाई आपको मिल जाएगा इसका लोहाई बीम, पासिंग लाइट का स्विच, और ये आपको मिल जाएंगे इसके मीटर के कंट्रोल। और इसका जो मीटर है वो आपको मिलेगा डिजिटल मीटर, क्योंकि इसके मीटर में आपको कोई भी स्विच देखने को नहीं मिलता है। ये आपको मिल जाएगा इसका इंडिकेटर, और नीचे आपको मिलेगा इसके हॉर्न का स्विच। तो बात करते हैं भाई इसके मीटर के बारे में। तो अगर आप इसके मीटर को देखें तो आपको यहाँ पर एक कलर मीटर आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको काफ़ी खूबसूरत मीटर दिखेगा। ये आपको मिलेगा इसके न्यूटन का इंडिकेटर, सैडेस्टन का इंडिकेटर, मालपर्सन लाइट का इंडिकेटर, नीचे आपको मिलेगा इसके लो ऑयल का इंडिकेटर। और अगर आप ये देखें तो ये आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, जहाँ आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं, और ये आपको मिल जाएगा इसका RPM मीटर। और इसके साइड में अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा इसका फ्यूल गेज और फ्यूल का इंडिकेटर और ABS का इंडिकेटर, क्योंकि आपको इस बाइक में डुअल चैनल ABS का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई ये जो मीटर है ना, ये कुछ इस तरह का दिखने वाला है। तो बात करते हैं इस बाइक की वारंटी के बारे में और इस बाइक की ऑन रोड ड्राइव के बारे में। तो 5 साल या फिर 70,000 किलोमीटर की इसकी जो वारंटी है वो आपको देखने को मिलेगी। और इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आगरा शहर में लगभग 212,500 रुपये इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो बस गाइस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।